Hi everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to Glowing Minds. I'm your mentor for physics. In last lecture, we did very important numericals related to the equations of motion. And we will do more numericals as soon as the chapter completes. We will do some extra numericals, previous year numericals, we'll do everything. So in today's lecture, we will continue with the topic, which is the last topic of this chapter, that is uniform circular motion. It's a very easy topic. अब uniform circular, uniform का मतलब हमें पता है क्या होता है. Uniform का मतलब होता है covering equal distance in equal intervals of time. Okay, तो यहाँ पे circular motion सिर्फ सर्कल सर्कल को डिनोट नहीं कर रहा. जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने जहां से स्टार्ट किया हम वहीं वापस आ गए. हमने यहाँ पर ये एक एग्जांपल दी हुई है रेक्टेंगल विद ट्रैक की. हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से स्टार्ट किया, सी पे गए, सी से डी एंड डी टू ए वापस. हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए. ओके, अब एक इसमें चीज नोटिस करने वाली है कि ये जितने भी केसेस दिए हुए हैं, हेक्सागोनल, इसमें भी सेम चीज हुई है, ऑक्टागोनल शेप, सर्कुलर ट्रैक, चाहे वो पेंटागोनल हो, कुछ भी हो, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि इन सब ट्रैक्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, जीरो. डिस्प्लेसमेंट इन हर ट्रैक्स की जीरो होगी. क्यों? क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है. हमने ए से स्टार्ट किया, हम ए पे ही वापस आ गए. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ. हम जब हमारा चेंज इन पोजीशन ही नहीं हुआ तो शॉर्टेस्ट पाथ कहां से होगा. दैट्स व्हाई आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. लेकिन हाँ, इनमें डिस्टेंस जरूर कवर होगा और इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ये हमारे पास ऑक्टागोनल की, इसकी सारी साइड सेम है, मतलब सारी साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. तो मतलब ए टू बी जाने में जितना डिस्टेंस लगा, जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी एंड जी टू एच, देन वापस एच टू ए आने में उतना ही टाइम लगेगा. सर्कुलर ट्रैक, अब सर्कुलर ट्रैक की जो हमें डिस्टेंस कवर निकालना है, यहाँ पे तो हम साइड का सम कर लेंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर हमें सर्कुलर ट्रैक पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर. ये चीज हमने मैथ में बहुत पहले से पढ़ रखी है. ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर. यहाँ पे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं, इसका. लेकिन सर्कल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस. तो मतलब सर्कल के लिए हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन टी. ये चीज वेलोसिटी या स्पीड हमारी जो भी होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन टी. तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये दी हुई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस, एक सर्कल है, एंड मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो मीट कर रहे हैं, गोल गोल हम उसी जगह पे घूम रहे हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट एक क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड जो पाथ क्लोज्ड है, जैसे हम किसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, पाथ क्लोज्ड है, वो हम एक सर्कुलर पाथ में है. तो मतलब जब भी हम किसी सर्कुलर या क्लोज्ड पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से जाएंगे, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और एक मेन चीज इसकी याद रखने वाली ये है कि सर्कल के लिए जब भी हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो हम डिस्टेंस क्या, वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस हम भरेंगे 2 पाई आर रखेंगे इसका डिस्टेंस. ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें क्या मेंशन है कि अगर हम एक थ्रेड के साथ एक स्टोन बांध के उसको घुमाएं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली गोल गोल घूमेगा, और उसका रेडियस क्या होगा, जितनी लेंथ हम, जितनी लेंथ से हम थ्रेड को पकड़ेंगे वो उसका रेडियस आ जाएगा. तो यहाँ पे हम इजिली स्टोन का पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, या स्टोन कितनी स्पीड से घूम रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो
दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर. ये टॉपिक बहुत ही छोटा था. ये इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एथलीट थ्रोज अ हैमर और अ डिस्कस इन स्पोर्ट्स. ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके सर्कुलर ट्रैक के. जैसे हम रेस करते हैं, या जो मून है वो उसके आसपास सर्कुलर मोशन में घूमता है, अर्थ सन के आसपास सर्कुलर मोशन में घूमती है. तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. यू मस्ट गिव इट अ रीड. एंड आर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 9 मोशन, जो चैप्टर 8 है एक्चुअल में साइंस की बुक में, वो कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ वी विल कवर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.